हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलिनरी कैनवस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मेनी आंसर्स। किसी ने कहा मैं कुकी बना रही हूँ, बट मैं बना रही हूँ चॉकलेट पान बॉम्ब। क्यूट है ना? आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी होली रेसिपी के तौर पे। इसके लिए आपको लगेंगे 5 पान लीव्स, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कलकत्ता पान लीव्स यूज़ किया है क्योंकि मुझे अवेलेबल था। फिर आप एक ब्लेंडर में ले लीजिए 3 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम, 1.5 टेबल स्पून्स ऑफ गुलकंद, 1 टीस्पून ऑफ फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, 4 इलायची, और इस तरीके से आप पान लीव्स को चॉप कर लीजिए। पहले उन्हें रोल कीजिए, फिर उनकी जो स्पाइन है वो हटा दीजिए क्योंकि वो अच्छे से पिसती नहीं है। फिर उसे फाइनली चॉप कीजिए। आप डायरेक्टली भी ब्लेंडर में डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करने से वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और हम नहीं चाहते कि कुछ भी मुँह में आए वाइल वी आर ईटिंग। ओके, सो आप इसे स्मूथ ब्लेंड कर लीजिए जैसा कि मैंने दिखाया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसको बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड करना है। देखिए इस तरह से, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब आपको 150 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट मेल्ट करनी है। उसे मेल्ट करने के बाद अच्छे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए, बहुत देर नहीं। अब अपने गोलगप्पे या रेडीमेड पानी पूरी को मार्केट से आप लेके आ सकते हैं, और आप चाहे तो घर पे भी पूरी बना सकते हैं। उसे इस तरह से अच्छे से कोट कीजिएगा। एक प्लेट को एल्युमिनियम फॉयल से या बटर पेपर से लाइन अप कर लीजिए ताकि आपके गोलगप्पे जो हैं वो प्लेट पे ना चिपके और उनको निकालने में भी ईजी हो। देखिए, 1 by 1 चारों तरफ से इन्हें अच्छी तरह से आप कोट कर लीजिए। ये बिल्कुल ऐसे दिखने चाहिए जैसे इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये काम थोड़ा सेंसिटिव है, इसको आप आराम से कीजिएगा। डू नॉट रश इनटू दिस। आराम आराम से हर तरफ से गोलगप्पों को अच्छे से कोट कीजिएगा और बहुत मोटी लेयर मत लगाइएगा, थोड़ी पतली ही रहने दीजिएगा। अब ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इन्हें रेफ्रिजरेट कर सकते हैं सर्व करने तक, या आपको इमीडिएटली कंज्यूम करना है तो एटलीस्ट 10 मिनट के लिए फ्रीज कर दीजिए, ये रेडी हो जाएंगे। अब बनाया हुआ पान का जो ब्लेंड है वो शॉट ग्लासेस में पोर कीजिए, टॉप कीजिए एक एक चॉकलेट पूरी के साथ और इन्जॉय कीजिए। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है ये। इसको देखिए, सेम खाना है जैसे आप पानी पूरी खाते हैं। इन्जॉय कीजिए आप अपने गेस्ट्स के साथ। हैव अ हैप्पी होली।